तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट विड्स को, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। दोस्तों, आज का वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। आज मैं बहुत दिनों बाद जो वर्सेस सीरीज लेके आ गया हूँ, तो गाइस आज की वर्सेस सीरीज में बेसिकली बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग और रिकमेंडेड टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे हीट ब्लास्ट वर्सेज वाटर हैजर्ड के बारे में, यानी कि फायर वर्सेज वाटर के बारे में। तो आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे वर्सेस सीरीज के भी वीडियो मिलते रहे। चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की वर्सेस सीरीज में हम बात करने वाले हैं हीट ब्लास्ट वर्सेस वाटर हैजर्ड के बारे में, यानी कि सिंपली फायर वर्सेस वाटर के बारे में। इसी वजह से हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हीट ब्लास्ट के बारे में। हीट ब्लास्ट की बात करते हैं, हीट ब्लास्ट से काफी ज्यादा फेमस जो एलियन है बेन टेनिसन का, और तो अरे बेन 10 का सबसे पहला एलियन है जिसमें बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ था। दोस्तों, हीट ब्लास्ट की स्पीसीज को पायरोनेट कहा जाता है, जिनका होम वर्ल्ड है पायरोस। हीट ब्लास्ट की पावर्स और एबिलिटी की बात करें तो हीट ब्लास्ट के पास पायरोकाइनेसिस की पावर है, जिसकी मदद से वो किसी भी फायर को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास पायरोकाइनेसिस टच है, जिसकी मदद से वो किसी भी जो चीज़ को छूकर उसको जला सकता है। हीट ब्लास्ट के बाद लिटिल बिट जो है टेराकाइनेसिस की भी पावर है, जिसकी मदद से वो किसी भी पत्थर को उड़ा सकता है अपने मुताबिक, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकता है। ज़्यादातर वो उसको उड़ने के लिए ही कंट्रोल करता है। हीट ब्लास्ट किसी भी सरफेस को बिना छुए भी जो है हीट जनरेट कर सकता है, उतना हीट जनरेट कर सकता है कि वो जो पूरी सरफेस पिघल जाए, यानी कि लावा बन जाए। दोस्तों, हीट ब्लास्ट जो है वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर सकता है, यहाँ तक कि वो अंडर वाटर अपनी पावर भी यूज कर सकता है, यानी कि हीट भी जनरेट कर सकता है। हीट ब्लास्ट अपनी पायरोकाइनेसिस, यानी कि अपनी फायर एबिलिटी की मदद से फ्लाइट भी कर सकता है। दोस्तों, हीट ब्लास्ट के पास डिसेंट एनन स्ट्रेंथ भी है, और तो और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, बड़े से बड़े झटके को झेल सकता है। हीट ब्लास्ट किसी भी फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको बुझा सकता है। हीट ब्लास्ट के पास जो है फायर ब्रीथिंग की भी पावर है, जिसे वो अपनी ब्रीथ से फायर थ्रो कर सकता है। हीट ब्लास्ट अपनी फायर को रीइग्नाइट कर सकता है, यानी कि उस पर अगर पानी डाल दिया जाए तो वो अपने आप को फिर से जला सकता है। दोस्तों, हीट ब्लास्ट के पास एक कमाल की एबिलिटी है, यानी कि वो अपने आप को एक फायर फॉर्म में जो तब्दील कर सकता है, उससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हीट ब्लास्ट की पावर्स और एबिलिटीज। अब हम बात करते हैं हीट ब्लास्ट की वीकनेसेस के बारे में। तो दोस्तों, हीट ब्लास्ट की वीकनेसेस की बात करें तो हीट ब्लास्ट को अगर ज़्यादा देर पानी में रखा जाए तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा कमजोर पड़ जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर हीट ब्लास्ट को जो आइस में फ्रोज कर दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोबाइल हो जाता है, मतलब वो हील नहीं सकता है। हाँ, बट उसको वो पिघला सकता है, बट उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकता है। दोस्तों, हीट ब्लास्ट जो है दूसरों के पायरोकाइनेसिस, यानी कि फायर अटैक्स को जो है उसको झेल नहीं पाता, यानी कि उससे उसको डैमेज होता है। दोस्तों, हीट ब्लास्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो एकदम डिसेंट है, यानी कि वो कुछ हद तक ही ड्यूरेबल है। दोस्तों, टेलेकाइनेसिस पावर और मैना पावर से जो हीट ब्लास्ट को जकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी हीट ब्लास्ट की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस। अब हम बात करते हैं वाटर हैजर्ड के बारे में। दोस्तों, वाटर हैजर्ड की बात करें तो वाटर हैजर्ड हमें सबसे पहले बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखने को मिला। दोस्तों, वाटर हैजर्ड की स्पीसीज को ओरिशान कहा जाता है, उसका होम वर्ल्ड है क्यूसाना। दोस्तों, वाटर हैजर्ड की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो वाटर हैजर्ड प्रेशराइज वाटर अटैक ब्लास्ट कर सकता है। हाइड्रोकाइनेसिस की भी पावर है उसके पास, जिसकी मदद से वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। एक हद तक वो अपने वाटर, यानी कि प्रेशराइज वाटर से वो फ्लाइट भी कर सकता है। वाटर हैजर्ड के पास एक फेस प्रोटेक्टर वाइजर भी है। वाटर हैजर्ड के पास भी एनएन स्ट्रेंथ और एनएस ड्यूरेबिलिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। वाटर हैजर्ड किसी भी जहरीली गैस से इम्यून है, यानी कि उस पर कोई भी जहरीली गैस का असर नहीं होता है। दोस्तों, वाटर हैजर्ड अपने वाटर अटैक्स का जो है टेम्परेचर भी जो है खुद के मुताबिक जो है कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि वाटर हैजर्ड किसी भी चीज़ में से वाटर और मॉइस्चर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाटर हैजर्ड की वीकनेसेस के बारे में। दोस्तों, वाटर हैजर्ड की वीकनेसेस की बात करें तो वाटर हैजर्ड ज़्यादा स्लिपी सरफेस पे जो स्लिप हो जाता है, और वाटर हैजर्ड की जो है ड्यूरेबिलिटी वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब डिसेंट अमाउंट की ड्यूरेबिलिटी है। दोस्तों, वाटर हैजर्ड जो है एनर्जी अटैक्स और इंटेंस हिट्स को सह नहीं पाता, यानी कि वो इंटेंस हिट और एनर्जी अटैक से वल्नरेबल है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। दोस्तों, वाटर हैजर्ड को अगर फ्रोज कर दिया जाए तो वो हिल नहीं पाता है और वो खुद को छुड़ा भी नहीं सकता है। तो और हमने जैसे कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखा था कि वाटर हैजर्ड को स्पाइडर मंकी के वेब में जो है पूरी तरीके से बेन ने जकड़ लिया था, उसको लटका दिया था और वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ जो इतनी ज़्यादा नहीं है,
है। तो गाइस ये तो हुई वाटर हैज़र्ड की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा बेटर है। अगर हीट ब्लास्ट और वाटर हैज़र्ड में फाइट होती है तो कौन जीतेगा, तो चलिए हम फाइनल शोडाउन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कभी भी जो इसका ऑफिशियल फाइट यानी कि वाटर हैज़र्ड और हीट ब्लास्ट कभी भी ऑफिशियली फाइट नहीं दिखाई गई है, तो यहाँ पे मैं मेरा ओपिनियन रखने वाला हूँ और मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि कौन जीतेगा। और यहाँ पे मैं इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेसेस के ऊपर से ये मैं बताने वाला हूँ कि अगर इन दोनों में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट जीत सकता है, हाँ मैं रुको बताता हूँ कि कैसे जीत सकता है। और यहाँ पे दो कंडीशन भी है कि कैसे जीत सकता है और कैसे हार भी सकता है। क्योंकि देखो गाइस वाटर हैज़र्ड की वाटर ब्लास्ट है, उसका ज़्यादा जो असर हीट ब्लास्ट पर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हीट ब्लास्ट पानी के अंदर भी सर्वाइव करता है, और तो और वो हीट ब्लास्ट जो है वो पानी के अंदर अपने पावर्स भी यूज़ कर सकता है। और तो और गाइस जो वाटर हैज़र्ड है उसकी वीकनेस ही इंटेंस हीट है, यानी कि वो ज़्यादा हीट जो सह नहीं पाता है। बट गाइस अब आप कहोगे कि यार जो हीट ब्लास्ट के फायर अटैक है वो वाटर हैज़र्ड अपने वाटर अटैक से रोक सकता है, तो जी हाँ वो ऐसा कर सकता है। बट हीट ब्लास्ट के पास जो एक और पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी सर्फेस को एकदम लावा जितना गर्म कर सकता है, तो ये उसकी पावर है, उसकी जो एडवांटेज बन जाता है हीट ब्लास्ट के पास। हाँ वाटर हैज़र्ड उसको ठंडे पानी से बुझा भी सकता है, बट वो इतना ज़्यादा जो एक कैपेबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी को सह पाए। और तो दोस्तों हीट ब्लास्ट के पास एक और एडवांटेज है कि वो फ्लाइट भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों वाटर हैज़र्ड भी फ्लाइट कर सकते हैं, पर वो एक लिमिट तक। दोस्तों हमें हीट ब्लास्ट की काफ़ी ज़्यादा हाई पावर एबिलिटी भी दिखाई गई है, जो कि बेंटन क्लासिक के डोंट ड्रिंक द वाटर एपिसोड में दिखाई गई थी, जहाँ पे जो हैक्स ने जो बेन टेनिसन को बच्चा बना दिया था, तब वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटा मतलब एक किड वर्जन देखने को मिला हमें हीट ब्लास्ट का, और उसने इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है जनरेट की थी कि पूरा आसपास की केव जल गई थी। लेकिन दोस्तों अगर जो है फाइट जो है पानी के अंदर की जाए तो जो है एडवांटेज हो जाता है वाटर हैज़र्ड के पास, क्योंकि वाटर हैज़र्ड के पास हाइड्रोकाइनेसिस की पावर है, इसके वजह से वो अपने मुताबिक जो है पूरी तरीके से जो है वाटर को कंट्रोल कर सकता है। और ज़्यादा देर तक जो अगर हीट ब्लास्ट को पानी में रखा जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, वो काफी कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों अगर पानी के अंदर फाइट हो तो आसानी से जो वाटर हैज़र्ड जीत सकता है, बट यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो हीट ब्लास्ट जो है आगे है वाटर हैज़र्ड से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी एलियन की तरफ नहीं हूँ, ना ही ये कोई ऑफिशियल ओपिनियन है, तो इसको दिल पर बिल्कुल भी मत लेना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है कि अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। और वैसे भी कई सारी कंडीशन हो सकती है और किसी में भी जो है कोई भी जीत सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कौन जीत सकता है, कौन ज़्यादा बेटर है, और आपको कौन ज़्यादा बेटर लगता है, ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाले वीडियोज़ आप देख सकते हो।